विश्राम किए थे, इसके बाद में यही कि नाम धन शंकर जी परशुराम जी को दिए थे। अब परशुराम ने ले जाके हमारे जनक को दिया था, तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर में भूमि, जब सीए पग उधारी वहाँ बड़ा मैदान में न भूमि मैदान, तो तोड़े वहीं गर्भोदय चाप खंड मई डाले, तीन टुकड़ा हुआ, उसमें एक टुकड़ा आकाश गया जो आपको रामेश्वरम में धनुषकोटी नाम से प्रख्यात है, साउथ में जो इसी रूप में जो पानी के ऊपर तैरता है, और एक टुकड़ा पाताल, पाताल वाली टुकड़ा वो जनकपुर राम मंदिर के आगे वो बड़ा तालाब है ना धनु सागर, उसमें बराबर तैरते थे। और यहाँ हुए आपको मध्य भाग के ही जन राम मध्य धनु टूड़ा बीच का टुकड़ा, जो भगवान के हाथ से गिरा हुआ टुकड़ा धनुष का मैं इनको माना जाता है, ये शिला ये पेड़ ही पूरा धनुषी पर हुए, ये पेड़ को भी 500 साल हो चुका कहके वैज्ञानिक अनुमानित किया है। अब धनुष का बढ़ोतरी हो रहा है, लंबाई बढ़ता जा रहा है, देखिए इतने बड़े पेड़ को कैसे फाड़े हैं, पूरा पेड़ को फाड़ के तब निकले ये है ना फटा अजय, पूरा पेड़ को फाड़ के तब ये पूरा की ओर बढ़ता जा रहा है लंबाई, जैसे वो अभी नया निकल रहा है वहाँ वो त्रिशूल के पास ये बढ़ रहा है, और वो मथुरा वृंदावन में जो गोवर्धन है ना गिरिराज वो घट रहा है, एक तीन बराबर घट रहा है। इसका परिणाम बताया गया है कि जौदव ये पिनाकी धनुष का बढ़ोतरी होता जाएगा तो वो गोवर्धन की कटौती होती जाएगी, जब पूर्ण धनुष का ही आकृति ले लेंगे तो गोवर्धन स्थिर हो जाएगा, कलयुग समाप्त होगी, सतयुग की प्रारंभ होगी कहके ऐसे वर्णन कर रहा है। और उसी के अनुपात में इनकी बढ़ोतरी या गिरिराज की कटौती एक साथ चल रही है, और यहाँ ये कुंड हुए पाताल गंगा, ये हमारे यहाँ की लोकल जनास्था क्या है जितने गृहस्थ लोग जो है ना वो टाइम टाइम में आके इनको देखता रहेगा, यहाँ के लिए तो क्या है कि विश्वास का इंडिकेटर देता है, ये कुंड का पानी भरा रहता तो बहुत शुभ माना जाता, ऐसे जो तले रहे तो अभी भी हमारे देश पर संकट है, इस बार हमारी मेन मौसमी फसल की कमी है, बारिश की कमी है, ये जो पूरा सूख गए तो कोई दैवी संकट आ रहा है, जैसे आज से 13 साल आगे पड़ा था 58 में जिस समय हमारे नरेश की हत्या हुई, 53 में सूखे सुखाड़ पड़ा, 45 में सूखे भूकंप गए, तो वैसे होते ना तो यहाँ गाँव गाँव से ढेर दूध आ जाता है, 10 मन 15 मन 20 मन इसमें डाला जाता है, जैसे इस बार भी डाला गया श्रावण का पहला सोमवार और डाला गया 6-7-8 क्विंटल डाला गया लेकिन नहीं भरा चला जाता, जैसे अभी है ना आप इसमें बैठ के बार दिन बाल्टीन के बाल्टीन पानी डालते चलिए अभी, लेकिन इनको कहिएगा कि हम अपनी मर्जी से इनको 5-10 मिनट भी फुल करके रख देंगे, कटने नहीं देंगे, तो अभी हमारे आप इच्छा से रहेंगे नहीं, इतने भी डालो धीरे धीरे जाते रहेंगे फिर अपने ही जगह पर जाकर वो ठहर जाएंगे, जब समय ठीक आ जावे तो अपने आप आ जाएंगे ऊपर, ऐसे देखने में लगता जैसे रुद्राक्ष हो ना उस रूप में, इसको अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि ऐसे चीज़ हमने पृथ्वी में नहीं पा रहे हैं, पाथर कहें तो गेरू कलर है, लोहा कहें तो चुंबक नहीं पकड़ रहा है, इसीलिए हमारे पर्यटन और पुरातत्व विभाग है ये यूनेस्को मिल करके इसको इस रूप में रखा है, इसमें ज़्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक में ही रखा जाए, यही वहीं पर माता टेक लो इच्छा है तो अपना बेटी चढ़ा दर्शन करो नहीं तो बोलना ये बढ़ रहा है।